नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। डिबेट के नंबर वन शो दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर मिश्रा है और ये आवाज आपने सुनी होगी आज तक पर। लेकिन आज तक तक पहुंचने की कहानी शुरू होती है गलगोटिया से। गलगोटिया मैं तो कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा था वैसे ही निकल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि फेस्ट में कुछ कर रहे हो, तो मैंने कहा यार नाचना और गाना ही होता है दो चीज, रिसेट बात तो कर लेते हो, तो एंकर क्यों नहीं बन जाए। तो फर्स्ट ईयर मैंने एंकरिंग की, सेकेंड ईयर में खूब लाइमलाइट दिखी। सो दैट वॉज द फर्स्ट इंट्रैक्शन जब मेरे को ये डिसाइड हुआ कि अब बीटेक चल रहा है लेकिन पैरेलली कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है। मेरे बेटे शुभांकर मिश्रा हैं जो आज तक पर न्यूज एंकर हैं, और इन्होंने पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, और इनका बीटेक करने के बाद ये इनकी इच्छा थी कि जो हम क्या नाम है जल निगम में जाएंगे, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा थी कि चार साल आपने बीटेक किया, नंबर भी बढ़िया मिला, पास हुए, आप बीटेक करके कहीं इंजीनियर बढ़िए। थ्री डेट में वो फरहान का जो छोटा सा रोल था कि उसको फोटोग्राफर बनना था, बट डैड ने उसको इंजीनियर बना दिया एंड ही इज लाइक कि कम पैसे कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। तो मैंने अपने इनिशियल डेज में एक पेपर उठाया और मैंने अपने आप से वादा किया कि एक महीने तक अखबार में जो पहले पन्ने की खबरें होती हैं उनको मैं नोट करूंगा, उनको पढ़ूंगा और मैं खुद ही एंकर बनूंगा, खुद ही रिपोर्टर बनूंगा। और फिर आपकी वहां से संघर्ष शुरू होता है। तो वो एक बहुत लंबा संघर्ष था कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपका मीडिया में कोई माई बाप नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे जब कोई चीज नदी की धारा है, आप कोई भी चीज का बांध लगा दीजिए लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्ग ढूंढ लेगा। सबसे कठिन समय वो होता है जब आप इंतजार करते हो, और मेरे हिसाब से मेरे मीडिया करियर का सबसे टफ टाइम वो था जब हम तीन बच्चे एग्जाम देकर आए थे और वो रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि हमें ये पता था तीनों में से जो सिलेक्ट होगा उससे किस्मत बदल जाएगी। लकली आई गॉट सेलेक्ट। तो वो जो फीलिंग थी वो गूजबम देने वाली होती, इसको आप कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाने वाले, तो वो एहसास बड़ा दिलचस्प होता है। और आप अपने घर वालों की नजर में आप चाहते हो हीरो बन जाए, और वो एक लम्हा मेरे ख्याल से मेरे फैमिली को लेकर था जब मुझे लगा कि आज फोन करते हैं यार, चार साल बीटेक में बहुत सुन लिया, आज पलट कर फोन करते हैं और कहते हैं यार कर लिया, कल से टीवी खोलिएगा आपको दिखाई पड़ेगा। पहली बार जब ये टीवी पर आए थे तो मेरा नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल था वहाँ लखनऊ में, तो वहीं मैं एडमिट थी। मुझे लगता था कि अगर इनको पता चलेगा तो ये नर्वस हो जाएंगे और इनका मनोबल गिर जाएगा, तो इनको पता ना चले। जब ये फ़ोन करते थे तो मैं बहुत अपने आप को संभाल के उत्साहित होकर इनसे बातें करती थी कि कल मैं देखूंगी, मुझे इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा। मीडिया में आना और फिर आगे बढ़ना, ये दोनों बड़ी अलग परंपराएं। आप आ गए लेकिन आपको पता नहीं होता आगे कैसे जाएं, और तभी एक एंकर ने मुझसे कहा कि यार देखो इलेक्शन कवर कर, और एक इलेक्शन आदमी को एंकर बना। इंडिया न्यूज से एक छोटे से चैनल में गया जो दो महीने पहले खुला। लोगों का कहना रहता था कि एक छोटा सा चैनल है उस पे हैं, कब तक रहेंगे, क्या रहेगा, लेकिन मैं कहती थी कि धारा को कोई रोक नहीं पाया है। सिचुएशन आता है ना जहां पर आपको लगता है गिव अप कर दे, उस सिचुएशन पर अगर अपने आपको आप बैक कर लेते हो, होल्ड कर लेते हो, तो आप उस निकल जाते हो। जब इनको टीवी पर लोग देखे तो लोग अचंभित हो गए, कैसे शुभांकर वहां पहुंच गए, तो पढ़ रहे थे इंजीनियर होने के तो वहां चले गए। तो हमने कहा नहीं, अब इन्होंने अपना लाइन बदल दिया और ये टीवी पर न्यूज एंकर हो गए। पहले ये हमारे नाम से जाने जाते थे, अब ये होता कि शुभांकर मिश्रा डैडी है, शुभांकर के डैडी है, शुभांकर मतलब इनके नाम से अब हमको अधिक ख्यात मिलती है। पहले मैं अध्यापक के नाम से बहुत सारा सम्मान सामाजिक लिया, और उसके बाद ईश्वर ने दूसरी कृपा की, ऐसा बेटा हुआ कि जो दुनिया में नाम कर रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों से इनकी मुलाकात हुई। गलगोटिया और आज तक की कहानी ये तस्वीर में अपने आप में काफ़ी बयां करने के लिए है, और अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो यहाँ दो तस्वीर आ रही है जिसमें आज तक है। एक ये तस्वीर है दाईं तरफ और दूसरी तस्वीर बाईं तरफ है, और ये तस्वीर जो है ये गलगोटिया की है। यानी आप कह सकते हैं कि पहली बार जब आज तक का माइक थामा गया था तो वो कैंपस 1A ब्लॉक के सामने की तस्वीर है जहाँ पर हमारी कभी क्लासरूम हुआ करती थी। और आई रिमेंबर वो जर्नलिस्ट जो आई थी उपासना बख्शी,
उस जमाने में वो एंकर रिपोर्टर हुआ करती थी और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इस सफर का हिस्सा गलगोटिया भी रहा और ये तस्वीर अपने आप में उसको बताने के लिए काफी है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, शुभांकर मिश्रा की विल पावर, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क को सलाम करती है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, गेट योरसेल्फ प्लेस्ड।